Hi everyone, welcome to Rest to IT. So my dear friends, today I am here to tell about the JEE exams 2021, different JEE exams other than JEE Advance and JEE Main. मैंने देखा है क्लियर जो कुछ बच्चा है ओनली JEE एडवांस एंड JEE Main के लिए फॉर्म भरते हैं और दूसरे एग्जाम्स के लिए ठीक है फॉर्म नहीं भरते. सो माई डियर फ्रेंड्स, ऐसा मत करना ठीक है. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंट कैन स्पॉइल योर कैरियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स बीटेक के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्स मैंने चुना है. यहीं पर जो लिखा है देखो, बेट साइड, वेस्ट बंगाल JEE, मणिपाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, VIT एंड सो दिस इज इज कॉमेट एग्जाम. सो माई डियर फ्रेंड्स, बीट सेट एग्जाम्स जो है क्लियर. सो दैट मीन्स क्या, इसका जो स्टैंडर्ड है JEE एडवांस जैसा नहीं है, JEE मेन जैसा नहीं है, उससे थोड़ा डाउन है. ये सारे एग्जाम क्लियर JEE एडवांस JEE मेन से भी डाउन है. JEE एडवांस का साथ तो इन लोगों का कोई कंपेरिजन नहीं है, JEE मेन से डाउन है. सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू टेक द प्रिपरेशन फॉर JEE मेन, सो यू कैन ईजिली क्लियर ऑल दीज एग्जाम्स ठीक है. आपको इसके लिए कोई पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली फॉर्म भर दो और एग्जाम डेट पे आप एग्जाम दे दो. क्या पता कौन सा कॉलेज आपका तकदीर में लिखा हुआ है ठीक है. सो माई डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखा बीट्स पिलानी, बीट्स गोवा एंड बीट्स हैदराबाद. बीट्स पिलानी जो है टॉप मोस्ट जो टॉप फाइव इंस्टीट्यूट है, टॉप फाइव IITs है, उसका साथ कंपेरिजन किया जाता है. सो इस यहीं पे भी CS ब्रांच बहुत अच्छा माना जाता है. जो यहीं पे जो खर्चा है नियर अबाउट 18 लाख 20 लाख के आसपास 4 साल में है, लेकिन उस हिसाब से रिटर्न नहीं है. रिटर्न यहीं पे जो दूसरा ब्रांच है CS ब्रांच में अच्छा रिटर्न है, क्लियर 100% रिटर्न है CS ब्रांच में. सो दिस इज रिटर्न का मतलब है पार एनम आपको कितना अमाउंट सैलरी मिलता है ठीक है. यही तो जो एवरेज रिटर्न है सो दैट इज 10 लाख, लेकिन CS ब्रांच जो है एवरेज रिटर्न सो नियर अबाउट सेम अमाउंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% क्लियर 100% रिटर्न है. सो माय डियर फ्रेंड्स, और एक बीट्स गोवा, बीट्स हैदराबाद, ये भी अच्छा माना जाता है. जो बीट्स जो टैग है सो दिस इज दिस. सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका नेशनल इमेज भी है एंड इंटरनेशनल इमेज भी है ठीक है. इसीलिए आप यहीं पे एडमिशन लेके पढ़ाई भी कर सकते हो, सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. अदरवाइज सो वेस्ट बंगाल JEE, वेस्ट बंगाल JEE में क्लियर जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़कर जितना गवर्नमेंट कॉलेज है, सो माई डियर फ्रेंड्स वहीं पर भी फीस बहुत कम है, लेकिन उन लोगों का जो एवरेज पैकेज है ज़्यादा नहीं है. क्लियर 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसा पैकेज है ठीक है. लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी यू कांट इमेजिन. सो दिस इज द इस यहीं पे जो रिटर्न है वर्ल्ड में किसी कॉलेज में रिटर्न है इतना रिटर्न नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड्स, बीटेक के लिए 4 साल का जो कोर्स है 11,000 इसका फीस है. इसीलिए मैंने लिखा है रिटर्न 2 लाख% ठीक है. इसका तो 100%, इसका 2 लाख%. सो दैट मीन 11,000 खर्चा करने के बाद CS ब्रांच में आपको 20 लाख अमाउंट ठीक है. सो इसका जो एवरेज पैकेज है सो दैट इज 20 लाख एंड मैक्सिमम का तो ये सब में जो CS ब्रांच के लिए मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, और जो अदर ब्रांचेस है उसका भी खर्चा 11,000 है. ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार एनम खर्चा है 30,000 क्लियर जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, और जो सारे गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, प्राइवेट कॉलेज में नहीं, उधर वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना. प्राइवेट कॉलेज लेना है तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लेना है ठीक है. लाइक बेंगलोर है ठीक है, इधर पुणे है, इधर नागपुर है क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, बम्बे है, सो दिल्ली है. प्राइवेट कॉलेज में क्लियर छोटे मोटे सिटी पे नहीं जाना, बड़े सिटी में जाना. सो माई डियर फ्रेंड्स, यही जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जब फीस है ना यहीं पे भी बहुत हाई फीस है, लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न नहीं है. सो माई डियर फ्रेंड्स, यहीं पे फीस है 16 लाख, रिटर्न 25% है, सो इसीलिए 4 लाख है. SRM यूनिवर्सिटी, सो माई डियर फ्रेंड्स, यही से यहीं पे जो फीस है 9 लाख है ठीक है. एंड अदर ये 9 लाख जो है CS ब्रांच के लिए, अदर ब्रांच के लिए 6.5 लाख ठीक है. CS ब्रांच में जो रिटर्न है सो दैट इज 6 लाख है ठीक है. एंड अदर्स ब्रांच का सो 3.5 लाख है. एंड VIT में क्या है देखो, सो माय डियर फ्रेंड्स, VIT भी वहीं पे भी फीस हाई है. सो दैट मीन्स क्या, फीस वहीं पे एवरेज 7.5 लाख है. एंड कंप्यूटर जो CS ब्रांच है वहीं पे रिटर्न है 10 लाख पर एनम, एंड जो अदर ब्रांच है वहीं पे 4 लाख पर एनम है. कॉमेट में कुछ अच्छा अच्छा कॉलेज है क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा अच्छा कॉलेज का मतलब है
RV College of Engineering, BMS College of Engineering, Ramaiya Institute of Technology and Bangalore Institute of Technology, यहीं पे थोड़ा पैकेज, यहीं पे जो खर्चा है, जो मैं डियर फ्रेंड फीस जो मैंने लिखा है 4 lakhs है, एंड जो इस पे RV एंड BMS में सैलरी क्लियर CS बेंच में 8 lakh 10 lakhs सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। अदर्स BIT RIT में सो यू कैन जो CS ब्रांच है यू कैन एक्सपेक्ट 6 lakh 7 lakh सैलरी है, एंड फीस ऐसा ही है 4 lakh क्लियर 4 lakh 4 साल का जो फीस है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है टॉप मोस्ट, ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम्स अदर देन JEE मेन और JEE एडवांस, क्लियर, डोंट मिस दिस एग्जाम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपना अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, लेकिन उसका बाद भी मैं बोलूँगा जी आप ये सब के लिए भर देना, क्लियर, JEE मेन के लिए तो भरना, बेट सेट के लिए भी भरना, वेस्ट बंगाल JEE के लिए भी भरना, कमेंट के लिए, कमेंट में कमेंट का जो लोकेशंस है वहीं पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो बेंगलोर में है सब, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, VIT का जो मैक्सिमम प्लेसमेंट है, VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो मैंने इसका भी वेस्ट जर्मनी का साथ कुछ कोलाबोरेशंस है, वहीं पर आपको क्लियर जॉब मिल सकता है, क्लियर, एंड मणिपाल में भी काफ़ी मैंने सुना है, ठीक है, वहीं पर भी काफ़ी प्लेसमेंट फॉरेन में होता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बेट सेट, सेकेंड ऑप्शन वेस्ट बंगाल JEE, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सपोज आपको जादवपुर मिल गया, जादवपुर आपको 60 to 65% आप वेस्ट बंगाल JEE में स्कोर कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्लियर, एंड सो दिस इज एंड देन यू विल ट्राई करो कमेंट एंड देन VIT एंड देन दिस, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था टॉप 6 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स अदर देन JEE मेन एंड JEE एडवांस। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रेस्ट टू IT। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल माई